सो गाइस, कल मैं अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एक वीडियो दिखती है और वो रहती है बाबा का ढाबा। ठीक है, तो बाबा का ढाबा के ऊपर की वीडियो रहती है वो। सो मैं उसको देखता हूँ और पूरी वीडियो मैं एंड से लास्ट तक देखता हूँ कि क्या सीन है ये बाबा का ढाबा का, क्योंकि ट्रेंड चलने लगा यार थोड़ी देर में। मैंने देखा इंस्टाग्राम पे मीम पेजेस वाले भी पोस्ट कर रहे हैं बाबा का ढाबा, और फिर मैंने उसके बारे में जानना चाहा पूरी स्टोरी। तो एक दिल्ली में एक मालवीय नगर है, वहाँ पे एक ऐसे फुटपाथ पे ही एक 80 साल के वो एजेड हैं, दोनों जो दादा दादी हैं वो 80 एज अपनी बता रहे थे 80 ईयर्स। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों एक छोटा सा ढाबा खोल के रखे हैं बाबा का ढाबा। ठीक है, उनका नाम, उस ढाबे का नाम है बाबा का ढाबा। तो वहाँ पे वो दाल रोटी, तवा रोटी और मटर पनीर और जैसे सब्जी कोई सी ऐसे वो देते हैं प्लेट लगा के, 30 रुपए की हाफ दाल और 30-40 रुपए की हाफ प्लेट पनीर ऐसे कुछ देते हैं। तो वहाँ पे एक यूट्यूबर, अब कौन सबसे पहले गया था ये मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली है। एक फूड ऑफिशियल, स्वाद ऑफिशियल की मैंने वीडियो देखी और बहुत सारे की वीडियो मैंने देखी, इंस्टाग्राम पे देखी, यूट्यूब पे भी देखी, बहुत सारे हर्ष बेनीवाल की फ़ोटो वगैरह देखी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जाके उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो सिर्फ कहानी यहाँ से शुरू होती है कि उनके पास कोई एक जाता है और उनसे पूरी डिटेल लेता है, उनकी वीडियो बनाता है, वीडियो शूट करता है और पूरी डिटेल लेता है कि क्या हुआ आपके साथ। तो मतलब वो बताते हैं कि हम लगभग 1998 आई डोंट नो, परफेक्ट नहीं पता है, इस उन्होंने ऐसे ढाबे स्टार्ट करा था इस ईयर में। एंड वहाँ पे वो बता रहे थे कि उनका जो डेली का, बोल रहे थे मेरा डेली का ख़त्म ही नहीं होता, मतलब आधा किलो दाल बनाते हैं वो दाल वो भी ख़त्म ही नहीं होती, मतलब बिकता ही नहीं है, मतलब उनका कुछ भी प्रोडक्ट जो है जो वो अपना सेल करते हैं वो कुछ बिकता नहीं था ढाबे पर। ठीक है, तो उसके लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एक यूट्यूबर या एक कोई इंस्टाग्रामर कोई भी गया और उनकी वीडियो बनाता है एंड उसको पोस्ट कर देता है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। तो अब आप देखो इंटरनेट में कितनी ताकत होती है, एक वीडियो के थ्रू। अब जी न्यूज़ चैनल, जानते हो आप, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो कौन नहीं जानता, जी न्यूज़ चैनल वहाँ तक पहुँच गया, उनका इंटरव्यू मतलब उनका पूरा कैप्चर करा। और गाइज मैंने देखा फेसबुक पे लाइव थे जी न्यूज़ वाले, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी पड़ी थी भाई, कोई हेल्प करने आ रहा है तो कोई उनका वीडियो शूट करने आ रहा है, कोई उनके साथ सेल्फियाँ ले रहा है और मानो एक सेलिब्रिटी बन गए। ठीक है, रातों रात सिर्फ एक वीडियो का कमाल है गाइज। तो यहाँ पे गाइज अगर आप वहाँ से मालवीय नगर से हो तो जाके एक बार विजिट करो बाबा का ढाबा। मैं इस टाइम दिल्ली में नहीं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, होम टाउन पे। अगर मैं वहाँ होता तो मैं भी, काश मैं वहाँ पे होता तो मैं वहाँ की वीडियो कैप्चर करके आपको एक व्लॉग तो ज़रूर दिखाता बाबा का ढाबा के। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हो वीडियो, जाके बहुत सारी वीडियोस पड़ी बाबा का ढाबा, सर्च करो और देखो वीडियो कैसी है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है फोटोज़ वगैरह जो कि हर्ष बेनीवाल और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज़ टाइप के लोग जा रहे हैं उनके पास और उनकी हेल्प कर रहे हैं। और बस आज के वीडियो में यही था कि गाइज हेल्प करो दूसरों की और मेरी भी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं लेके आते रहता हूँ गाइज। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज, और जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, तो कीप इन टच विद ब्लॉगर बाज। सो प्यार बनाए रखिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप वॉचिंग। Let's go.